Congress Vice President Rahul Gandhi kicked off his Vikas Se Vijay Ki Aur rally in Mandi, Himachal Pradesh. While addressing the public gathering, Gandhi lashed out at Modi government, saying, due to hasty implementation of goods and services tax, almost 30 lakh young men and women lost their jobs in Gujarat. Rahul Gandhi said that unemployment stands as the biggest problem in the country today. Gujarat ki baat karta hu. Aaj Gujarat mein 30 लाख युवा बेरोजगार हैं, नरेंद्र मोदी जी की देन है। क्योंकि अगर आज हिंदुस्तान के सामने कोई समस्या है, कोई कठिनाई है, तो वो रोजगार की है। 30,000 युवा हर 24 घंटे इस देश में रोजगार ढूंढने निकलते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तकरीबन 70,000 लोगों को सरकारी रोजगार दिया है। गुजरात की सरकार ने पिछले 5 सालों में 10,000 लोगों को सरकारी रोजगार दिया है। वीरभद्र सिंह जी, आपने कहा कि आप 6 बार चीफ मिनिस्टर बने हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं आप 7वीं बार चीफ मिनिस्टर बनोगे। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने तकरीबन 1500 सरकारी स्कूल खोले हैं। गुजरात की सरकार ने पिछले 5 सालों में 1 सरकारी स्कूल नहीं खोला है। कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी से कहा कि जीएसटी कांग्रेस पार्टी की सोच है, और अगर आप जीएसटी ला रहे हैं तो आप 5 अलग अलग टैक्स मत लगाइए, आप 28% टैक्स मत करवाइए, 18% से ज्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए, और सिर्फ एक लेवल का टैक्स होना चाहिए 18%। और अगर आप करना चाहते हैं तो आप आस्ते से प्यार से जीएसटी लाइए, क्योंकि अगर आप जल्दी करेंगे पूरे देश को नुकसान होगा। बड़े उद्योगपति आसानी से अकाउंटेंट ला सकते हैं, मगर जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, वो नहीं कर पाएंगे।